नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी को लेकर इन दिनों सियासत काफ़ी तेज है। लगातार तमाम जो नेता हैं कांग्रेस की, वो उन पर हमला बोल रहे हैं। सोनिया गांधी को लेकर किए गए टिप्पणी पर कांग्रेस के तमाम नेता भड़क चुके हैं। ऐसे में बिहार में भी सियासत तेज है। जाप के नेता हैं, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी इसको लेकर अर्णब गोस्वामी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और उन पर जमकर भड़ास निकाली है। आप ट्विटर पर देखिए, उन्होंने लिखा है कि अर्णब आप पत्रकार से चाटुकार बने, अब अवसादग्रस्त मनोरोगी बन गए हैं। आपकी जगह न्यूज रूम में नहीं, रांची काके स्थित मेंटल एसाइलम में होनी चाहिए। पूरी पत्रकारिता बिरादरी को मिलकर इनका श्राद्ध कर देना चाहिए, अब यह कलंक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वहीं उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा है, अर्णब की पिटाई नहीं, मीडिया जगत से विदाई जरूरी है, इसमें ही देश की भलाई है। तो दरअसल अर्णब गोस्वामी ने मुंबई के पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में जो संतों की हत्या हुई है, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का प्रयास किया और इस मामले को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी पर जमकर टिप्पणी की है। लाइव शो के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कई सारी बातें कही हैं। इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता भड़क गए हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर कांग्रेस का शासन है, उन सभी ने अर्णब गोस्वामी पर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में अब बिहार के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी इस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अर्णब गोस्वामी पर हमला किया है। अर्णब गोस्वामी को लेकर उन्होंने सीधे तौर से कह दिया है कि उन्हें मीडिया जगत से विदाई कर देनी चाहिए। हालांकि अर्णब गोस्वामी को लेकर एक और खबर आई थी कि उन पर हमला हुआ है, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की है। हालांकि इसको लेकर और भी क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम अब तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।